सम्मोहन और वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है, अपने सम्मोहन पाश में बांधा जा सकता है और इसका इस्तेमाल काफी लंबे समय से होता आ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रयोग, एक ऐसी क्रिया के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप करते हैं तो इस क्रिया के माध्यम से आप जिन भी चीजों को चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं, या वह कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं कि जैसे उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, उनकी बात ही नहीं सुनता है, तो ऐसे में बिल्कुल जीवन नरक सा ही महसूस होता है। जिस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अगर वही आपकी बातों को ना सुने, ना समझे, तो ऐसे में पूरा दिन ही उसी व्यक्ति का ख्याल चलता है, 24 घंटे ही टेंशन, डिप्रेशन इतनी अधिक घेर लेती है कि जीवन ही बिल्कुल नरक जैसा प्रतीत होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी आसान सी क्रिया को करके आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में, अपने सम्मोहन में बांध सकते हैं। अब यह चीज कोई भी हो सकती है। अगर आप पैसा चाहते हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो उन सभी चीजों के लिए इस प्रयोग को, इस क्रिया को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझें, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताई जाती हैं, तो इसीलिए सभी बातों को ध्यान से सुना करें, समझा करें, जिससे प्रयोग को सही से किया जा सके और आप इसका अधिक से अधिक लाभ भी उठा सके। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखकर सभी बातों को आप समझ लें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव को प्रणाम कर लें, क्योंकि बिना उनके तो कोई भी चीज इस दुनिया में संभव नहीं है। जितने भी मंत्र हैं, तंत्र हैं, या फिर जितने भी यंत्र हैं, जितना भी विज्ञान है, जो शास्त्रों से, वेदों से, उपनिषदों से जुड़ा हुआ है, वह सभी संपूर्ण केवल भगवान शिव का ही है। भगवान शिव ने ही संपूर्ण ज्ञान इस पृथ्वी को प्रदान किया है और बिना उनकी कृपा के कोई भी चीज सफल और संभव हो ही नहीं पाती है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले चीज तो आपको एक काला धागा लेना है। काला धागा इतना बड़ा आपको लेना है जितनी लंबी आपकी लंबाई है। बिल्कुल ध्यान से इस प्रयोग को, इस क्रिया को सुनते जाएं। काला धागा अपनी लंबाई के अनुसार जितने आपके कद है उतना ही लंबा काला धागा आपको लेना है, और यह प्रयोग केवल उसी व्यक्ति को करना है जो अपने लिए, सामने वाले को अपने वश में करना चाहता है, सम्मोहन में बांधना चाहता है। केवल वही व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। कोई अन्य दूसरे से करवा लें या दूसरे के लिए आप कर दें तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको चमेली का तेल लेना है और भगवान हनुमान की मूर्ति का सिंदूर आपको लेना है। आपको बता दें कि भगवान हनुमान का जो सिंदूर होता है उसमें वशीकरण की, सम्मोहन की अद्भुत शक्तियां विराजमान होती हैं। खुद भगवान हनुमान ने राम भगवान को अपने सम्मोहन में बांधने के लिए यह सिंदूर का प्रयोग किया था, जिससे वह हमेशा भगवान राम से ही जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, इस सिंदूर में सम्मोहन की, वशीकरण की अद्भुत शक्तियां विराजमान होती हैं। तो यह सिंदूर, चमेली का तेल और काला धागा आपको पहले ही लेकर आ जाना है, व्यवस्था कर लेनी है, और उसके बाद सबसे पहले आपको करना इस प्रकार है कि इस धागे को कोई भी डिजाइन आपको दे देना है। यह आपकी लंबाई के अनुसार लंबा धागा है, तो इसमें कोई भी डिजाइन बनाकर आप इसे डिजाइन दे सकते हैं, बनावट कर सकते हैं इसकी। अगर आप इसे गले में पहनना चाहते हैं तो गले के लिए बना सकते हैं, हाथ में पहनना चाहते हैं तो हाथ के लिए बना सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि नाभि में आपको यह बिल्कुल भी नहीं पहनना है। गले में, हाथ में और भुजा में आप इसे केवल बांध सकते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार आप इसे पहनना चाहते हैं, जहां भी बांधना चाहते हैं, उसी प्रकार आप इसे डिजाइन दे दें, और इसके बाद आप इस काले धागे को हाथ में पकड़ते हुए इसमें 9 गांठ आपको लगानी है। ऊपर से इस पर 9 गांठ लगानी है। पहले कोई भी डिजाइन दे देना है और उसके बाद ही केवल 9 गांठ लगानी है, यानी कि जो 9 गांठ आप इस पर लगाएंगे यह ऊपर की ओर आनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले ही इस धागे में 9 गांठ लगा दी और उसके बाद डिजाइन बनाया, तो पहले आप डिजाइन को बना लें। इसीलिए लंबा धागा आप छोड़ दें, जिससे 9 गांठ लगाने के बाद धागा छोटा हो जाता है। तो बिल्कुल इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको डिजाइन तैयार करना है और धागे को कुछ लंबा छोड़ देना है, जिससे आप इसे बाद में पहनेंगे तो यह आसानी से डबल करके भी पहना जा सके। तो ये सभी बातें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। अब 9 गांठ किस प्रकार लगानी है, यह प्रयोग को भी आप सुन लें कि 9 गांठ आपको इस प्रकार लगानी है कि जैसे कि आप एक गांठ जब उस धागे पर लगाएंगे तो हर एक गांठ पर 5 माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, यह जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम फ्रोम हन हनुमते फ्रोम राम दूताय नमः।
आपको बता दें कि फ्रोम जो मंत्र होता है, यह बीज मंत्र होता है, यह भगवान हनुमान का बीज मंत्र है और यह खास करके सम्मोहन के लिए, वशीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके जीवन में कोई शत्रु है, शत्रु आपकी बात नहीं मान रहा है, तो शत्रु को भी अपने वश में, सम्मोहन में बांधने के लिए, क्योंकि जब तक शत्रु आपके वश में नहीं होगा तब तक वह आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा और हमेशा केवल आपको कष्ट ही देता रहेगा। तो इसी प्रकार इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। एक बार फिर से सुन ले, ओम फ्रोम हन हनुमते फ्रोम रामदूताय नमः। बस इस मंत्र को हर एक गांठ पर 5 माला जाप करना है। रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो माला की भी कोई आवश्यकता फिर आपको नहीं है। तो इस प्रकार 9 गांठ आपको उस धागे पर लगा लेनी है और उसके बाद जो हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर है उसमें इस धागे को डुबो कर रख देना है और ऊपर से चमेली का तेल इस धागे पर डाल देना है। इस प्रकार आपको लगातार यह धागा 8 दिन तक उसी चमेली के तेल में, उसी सिंदूर में पड़े रहने देना है। और इस दिए में, यानी कि आप कोई ऐसे पात्र का इस्तेमाल कर लें जो मिट्टी का हो, जैसे दिया होता है, दिए में चमेली का तेल डालकर उसमें धागा डाल दें और ऊपर से सिंदूर में इसे घोल दें और बस इस दिए को फिर कवर करके, किसी भी पन्नी से, किसी भी एल्युमिनियम फॉइल से भी कवर किया जा सकता है, इसको कवर करके किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर मिट्टी में इस दिए को गाड़ कर आ जाना है और ऐसी जगह गाड़ कर आना है जिसे बाद में आप बड़ी आसानी से निकाल सकें। अब आपको ये भी बता दें कि जब आप गाड़ देंगे और दोबारा निकालने जाएंगे तो यह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे गाड़ कर बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर इसे आप गाड़ कर आएंगे उसके ऊपर आपको कोई बड़ा सा पत्थर ले जाकर रख देना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने ये गाड़ा कहां पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, और वहीं पर हाथ डालकर आप दोबारा इसे निकाल सकें। इस प्रकार इस दिए को लगातार आपको 8 दिन तक उसी मिट्टी में दबे रहने देना है और 8 दिन बाद, यानी कि 9वें दिन, इस धागे को निकाल कर ले आना है और किसी भी मंगलवार के दिन इसे बस पहन लेना है। इतना करने मात्र से जिस भी चीज की आप कामना करेंगे वही चीज आपके जीवन में आकर्षित होती चली जाएगी। जिस व्यक्ति को आप चाहेंगे या जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति को यही धागा अपने हाथ से पहना दिया जाए, अगर वह नहीं पहनता है तो आप केवल इसे पहन लें, क्योंकि आप उस व्यक्ति को चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वही व्यक्ति आपके सम्मोहन पाश में इतनी बुरी तरह से बंद सा जाता है कि 24 घंटे ही केवल आपके बारे में ही वह सोचता रहेगा। आप खुद इस प्रयोग को कर हैरान रह जाएंगे कि इतना प्रचंड और इतना प्रभावशाली सामने वाले को वशीकरण में बांधने के लिए इतनी आसानी से इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात के बारे में बता दें कि जैसे ही इस धागे को आप बांधेंगे तो जो भी चीज आपके दिमाग में चलती है, जिस चीज को आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए, जिस चीज को, अब वह चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, यानी कि जो भी चीज 24 घंटे आपके दिमाग में चलेगी वही चीज आपके जीवन में इतनी अच्छी तरह से आकर्षित होगी कि आप बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। यह धागा बनाने की ऐसी गुप्त विद्या के बारे में हमने आपको बताया जो तंत्र से जुड़ी हुई है। पीपल वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष की मिट्टी में इसे काट देने से यह धागा अद्भुत चमत्कारी हो जाता है। बल्कि जो लोग टोने टोटके आदि, तंत्र क्रिया आदि से परेशान रहते हैं या जिन लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके घर पर कोई कुछ करा देता है, तो इस प्रकार धागा बनाकर हाथ में पहन लेने मात्र से फिर आप पर कोई भी कुछ भी नहीं करा पाएगा। यह काला धागा बनाने की ऐसी विद्या है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो यह हमने आपको वीडियो में बताई है, जिसे आप बड़ी आसानी से खुद भी कर सकें, अपने लिए स्वयं काला धागा बना सकें और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करा सकें, शत्रुओं से बच सकें, काले जादू से बच सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य बेल बटन दबाकर रखें, क्योंकि यह जानकारी आपको बाकी किसी और चैनल में नहीं मिलेगी। बेल बटन दबाने से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।